सिंगरौली में युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के उपयोग को जानने के लिए सूचना अधिकारी के तहत जानकारी मांगी थी, जिसकी ठीक जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने भाजपा के नेताओं पर जिले के विकास का पैसा हड़पने का आरोप लगाया है। सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी कि जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कितना आ रहा है और किस किस मद में खर्च हो रहा है। ठीक जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने कहा, सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात करने वाले मुख्यमंत्री जिले की 75% राशि अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 1.5 वर्ष थी, उस समय सिंगरौली जिले में बहुत अधिक काम हुआ, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से चतरंगी से लेकर बगदरा तक का विकास कार्य रुका हुआ है। हमारा सिंगरौली जिला जो है वो खनिज संपदा से भरा हुआ है और सिंगरौली जिला सोने की चिड़िया है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंग्रेजों की भांति यह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इसको लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये तो कहा था कि सिंगरौली को सिंगापुर पर आएंगे, लेकिन सिंगापुर न बना करके जो हमारी DMF मद की राशि है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जो सिंगरौली क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंगरौली के विकास के लिए खर्च होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी राशि है, करोड़ों रुपए की राशि प्रतिमाह वो भोपाल ले जाकर के अपने विधानसभा क्षेत्र और भोपाल के इर्द गिर्द खर्च करने का काम कर रहे हैं। इस मामले पर जानकारी देते हुए कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने कहा कि सूचना के अधिकार के नियम के तहत जानकारी जिस रूप में होगी उसी के तहत दी जाएगी। प्रशासन की तरफ से किसी भी जानकारी को बनाकर देने का प्रावधान नहीं है। यदि फिर भी जानकारी से कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है तो उसके पास अपील करने का अधिकार है। सूचना के अधिकार में एक नियम यह है कि जानकारी जो जिस स्वरूप में होगी उसमें कुछ जानकारी बना के देने का प्रावधान नहीं है, तो वो लोक सूचना अधिकारी के पास आया होगा, वो मेरे संज्ञान में नहीं है। तो उसमें मुद्दा ऐसे उसका ये तरीका यही कि जो जानकारी जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में प्रदान की जाएगी, उसको जानकारी को बनाकर और उस तरह का देने का कोई प्रावधान नहीं, तो वो उसको देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या आवेदन दिया था और उसको मतलब वो एक्चुअली उसमें क्या सूचना का अधिकार का एक सिस्टम है, उसमें अगर मान लो उन्होंने नहीं किया तो उसका प्रथम अपील का भी एक प्रावधान है, तो उसमें वो अपील कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।